हेलो फ्रेंड्स, मैं नकुल हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल की क्लास के अंदर वीलुकअप फंक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसे आप यूज़ करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें एक्सेल पे आना है। तो एक्सेल पे आने के बाद मैंने एक यहाँ पर डाटा प्रिपेयर कर रखा है, जिसके अंदर कोड लिखे हुए, यानी कि एम्प्लॉय के कोड लिखे हुए हैं, उनका नेम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, उनकी बेसिक सैलरी DA, PF और इनकी नेट सैलरी यहाँ पर दे रखी है। तो आपको VLOOKUP कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं फाइंड करना चाहता हूँ नेम से किसी की बेसिक सैलरी। तो आप VLOOKUP कैसे लगाएंगे वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, इक्वल VLOOKUP। और VLOOKUP लगाने के बाद आपसे सबसे पहले पूछेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, नेम। लुकअप वैल्यू में आपने नेम दे देना है और कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछेगा टेबल एरे। तो टेबल एरे में हमें ये टेबल सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से हमें नेम से क्या देखना है, बेसिक सैलरी। तो आपको ये पूरी टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप सैलरी तक भी सिलेक्ट इसको कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल पूरी टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपको जो भी आपने टेबल सेलेक्ट करी है उसका कौन सा कॉलम आपको देखना है, यानी कि कौन से कॉलम तक आपको देखना है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मुझे देखना है 3 कॉलम तक, तो यहाँ पर आपको 3 डालना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद आपसे पूछेगा अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमें अभी एग्जैक्ट मैच चाहिए। आपको एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद अभी आपका नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी अभी लुकअप वैल्यू नहीं दी है। तो यहाँ पर हम किसी की लुकअप वैल्यू दे देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, अंकित। तो जैसे ही अंकित मैंने लिखा, यहाँ पर उसकी बेसिक सैलरी आ गई। अगर वेरीफाई आप करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये अंकित है, अंकित की बेसिक सैलरी है 12,336 रुपये। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा नेम से बेसिक सैलरी फाइंड करी है, उसी तरीके से आप कोड से नेम, एड्रेस, बेसिक सैलरी, DA, PF, नेट सैलरी, ये सारा भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं VLOOKUP का। तो यहाँ पर आपको VLOOKUP लिखना है और VLOOKUP लिखने के बाद आपको यहाँ पर लुकअप वैल्यू देनी है। तो लुकअप वैल्यू हमारी कोड है। तो यहाँ से मैं कोड का सेल जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ और कॉमा लगाना है आपको यहाँ पर। फिर आपको टेबल एरे सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों, जैसे हमने बेसिक सैलरी में नेम से बेसिक सैलरी निकाली थी, तो नेम से हमने टेबल सेलेक्ट करी थी, बट आपको यहाँ पर कोड से सेलेक्ट करनी है। तो कोड से आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है और कॉमा लगाना है। और कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 2 है, क्योंकि हमें सेकेंड कॉलम फाइंड करना है, यानी कि सेकेंड कॉलम में जो डाटा है वो फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें देना है 2 और कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपसे वही पूछेगा एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल दिखाएगा, क्योंकि हमने अभी लुकअप वैल्यू कोई भी यहाँ पर दी नहीं है। तो यहाँ से आपको ये आगे आना है, यहाँ से आपको कंट्रोल आर कर देना है, तो हमारा सारा फॉर्मूला रो के अंदर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप किसी भी एम्प्लॉय का कोड यहाँ पर मैंशन करेंगे, वो तुरंत ही हमारा सारा सारा डाटा यहाँ पर आपको शो करने लगेगा, जिसमें आपका नेम, एड्रेस, बेसिक सैलरी, DA, PF, नेट सैलरी सारा यहाँ पर शो आपका करने लगेगा। इसके अलावा जैसे आप सेकंड शीट में आप चाहते हैं कस्टमर आईडी से मेरा नेम, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट लोकेशन या डिलीवरी स्टेटस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए जैसे ही मैं कस्टमर आईडी डालूँ, तो आप सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर VLOOKUP लगाना है और VLOOKUP लगाने के बाद लुकअप वैल्यू आपको ये कस्टमर आईडी देनी है। फिर आपको टेबल एरे सेलेक्ट करना है। तो टेबल एरे में मैं पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में पहले आपको सेकंड कॉलम देखना है यहाँ पर, तो सेकंड कॉलम आपको देना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच की जगह 1 या 0 भी ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेट मैच जो आपको करना है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1, और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 0। तो यहाँ पर मैं अभी 0 लिख रहा हूँ और एंटर आप जैसे ही करेंगे, तो यहाँ पर अभी नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। और आप यहाँ पर किसी की भी
कस्टमर आईडी यहाँ पर मेंशन करेंगे तो उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम VLOOKUP का यूज इजीली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।